कोई जगह ते दस बेदर दज तो कंड वहा के भजया मैं ते जेरी जगह ते तेनू लोड पई हो ते भज भज के को तेनू रलिया मैं तुन बस हो गई है बेनसलिया आ वे तेरे तो रजिया मैं। मुझे लगा शायद हूटिंग करने आए। अच्छा कोई सुभाषन में काम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे, वो रोड है मीडिया पे उसको कोई 1 रुपया नहीं उन्होंने दिया, ठीक है। इनको चाहिए कि 1 साल बाद 2 साल बाद अपने मुल्क में या लाहौर में सिटी में जो भी इलाके हैं में कंपटीशन कराना चाहिए, जो जिसके बाद जो हुनर है वो करना चाहिए। ते रोज मैशर हिसाब होसन ते सोने चेहरे खराब होसन, एक बेवफा दिल मंडी लगसी ते पहली सब विच जनाब होसन। वाओ क्या बात है। टिकटॉक अकाउंट है जिस पे 50 फॉलोअर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मरियम है और आप देख रहे हैं देख लो टीवी। तो आज मैं पार्क में मौजूद हूं और मैं आवाम से अरशद नदीम के बारे में पूछूंगी कि वो उसे जानते हैं या नहीं, और अगर नहीं जानते तो क्या वो सोशल मीडिया पे ऐसे ही वायरल हो गया है। सो नदीम अरशद के बारे में आज जो है हम आवाम से फनी फनी सवाल करेंगे और देखते हैं कि उसके फनी फनी आंसर्स कैसे मिलते हैं। क्या करने आए हैं? मैं वैसे आउटिंग करने आए हैं। अच्छा आउटिंग करने आए हैं। अच्छा मुझे लगा शायद हूटिंग करने आए। अच्छा तो क्या नाम है आपका? अली। अली क्या करते हैं आप? मैं हाई कोर्ट होता हूँ। हाई कोर्ट होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो नदीम अरशद है उसने करोड़ों का इनाम जीता है, तो उसे वो सुनकर आपको देखकर जो है खुशी हुई है या जलन हुई? नहीं खुशी हुई है, लेकिन उसको मिलना नहीं ना, इससे पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट वो एक लड़का हुआ है पाकिस्तान का, ठीक है। उसको भी सुभाष में काम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे, वो रोड़ा है मीडिया पे उसको कोई 1 रुपया नहीं उन्होंने दिया, ठीक है। इनको चाहिए कि 1 साल बाद 2 साल बाद अपने मुल्क में या लाहौर में सिटी में जो भी इलाके हैं में कॉम्पिटिशन कराना चाहिए, जो जिसके बाद जो हुनर है वो करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बंदे को ऊपर लेके इनको अपने आप का पता होगा खाने पीने के, इनको आवाम का पता नहीं है। उसको 50 लाख जो उन्होंने दिया है कोई नहीं मिलना उसको, 10-20 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। वैसे हमारे लिए खुशी की बात है कि वो जीता के नाम उसने रोशन हाँ। किया। अच्छा कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैसेज यही है कि अपना काम शाम करो, ठीक है। तो वोटिंग ना करो पार्क में, पार्क में आकर वोटिंग ना करो, नमाज 5 वक्त की अदा करो हमारी तरह, ठीक है। पार्क में आए और इधर भी नमाज पढ़े आके, नमाज का ख्याल नहीं, असर की नमाज पढ़ के आए, मगर की नमाज घर जाके पढ़े। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही है। अच्छा जी और कोई जो है सॉन्ग या कोई शायरी? वो मुझे तो आता नहीं, भाई सुना देते हैं। चले जी जिसने सुनाने आगे आ जाए। एक बेवफा नल वफा जे कीती, मैं अपनी जिंदगी तबाह जे कीती, ओ हसदी रही मैं रोंदा रहा है, अज बदालत खुदा जे कीती, ते रोज मैशर हिसाब होसन ते सोने चेहरे खराब होसन, एक बेवफा दिल मंडी लगसी ते पहली सब विच जनाब होसन। वाओ क्या बात है, थैंक यू सो मच। इधर घूमने आए हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? नहीं मैं अकेला आया हूँ। अकेले? ये कौन है फिर? ये मुझे देख रहे हैं, मैं फेमस ही बहुत हूँ। अच्छा अच्छा फैन है आप? फैन है, मेरा टिकटॉक अकाउंट है जिस पे 50 फॉलोवर हैं। कितने फैंस हैं आपके? ये तकरीबन 3-4 होंगे। 3-4? ये तो 3-4 से ज्यादा खड़े हुए? नहीं वो बस आपको देख के इधर खड़े हो गए। अच्छा 3-4 है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नदीम अरशद ने जो करोड़ों का इनाम जीता है उससे आपको खुशी हुई है या फिर जलन हुई है? खुशी तो हुई है, उसने कौन सा हमें दे देना, अगर हमें देगा तो हम ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे हमें खुशी है कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया। अच्छा यानी कि अभी आपको थोड़ी खुशी हुई है, अगर वो आपको ज्यादा दे दे तो आपका जो है ना खुशी से दिल बाग बाग हो जाएगा? नहीं वो बाग बाग नहीं होगा, वैसे खुश हो जाएंगे, बाग तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं वो है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि नदीम अरशद को आप कब से जानते हैं, मतलब अभी गोल्ड मेडल उसने जीता है तब से जानते हैं या पहले भी जानते हैं? कसम अल्लाह दी अजी तो मैच लगा जी उदू मैं जानते हैं, उस तो पहले नहीं मैं जानते। अच्छा कोई पोइट्री कोई सॉन्ग? नहीं सॉन्ग सॉन्ग नहीं आता, ये पोइट्री भाई करेंगे। चले सुनाए। इधर आए आया शेर नहीं मैं बोलना, मेरा शेर भी नहीं बाहर सुनाए। कैसा सुनाओ? कोई भी शेर सुना दो जिस तरह का मर्जी, फनी हो जाए जो भी हो जाए। चलो सुनो फिर। चलो आंदा के तेरे नाल प्यार से ढेर सारा हर ऐप तां ते तेरा कज्जिया मैं, ओ कोई जगह ते दस बेदर दज तो कंड वहा के भजया मैं, ते जेरी जगह ते तेनू लोड पई हो ते भज भज के को तेनू रलिया मैं, तुन बस हो गई है बेनसलिया आ वे तेरे तो रजिया मैं। वाओ थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह क्या नाम है आपका? फैजी मुगल। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा आपसे एक सवाल है जी, अरशद नदीम ने इंडिया के प्लेयर को हरा दिया तो आप इस बारे में इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो बस मुकाबला तो देखे ना सबके साथ ही होता है, उसमें सिर्फ इंडिया के साथ तो नहीं था, बाकी भी कंट्रीज के प्लेयर थे,
तो बेसिक यही था कि उसने अपना 100% दिया, ठीक है, अच्छे नदीम ने, तो इंशाल्लाह वो माशाल्लाह जीत गया। देखा भी हमने मैच, वो तो बहुत अच्छा खेला। अच्छा, अर्शद नदीम को करोड़ों का इनाम मिला है, तो ये सुनकर आपको खुशी हुई है या फिर जलन हुई? बताएं, जलन तो नहीं? नहीं नहीं, जलन क्यों नहीं, खुशी हुई है। कितनी खुशी हुई है? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। सेलिब्रेट किया, केक काटा? केक वगैरह नहीं काटा, वैसे सेलिब्रेट किया। वैसे सेलिब्रेट किया। अच्छा, कोई गाना या कोई शायरी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, चले थैंक यू। मुझे ये बताएं कि कोई गाना कोई शायरी? आप? नहीं, कुछ भी नहीं। चलें जी, थैंक यू सो मच।